जब भी औरतों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बात बात पर गुस्सा करने लगती हैं और फिर एक पड़ाव पर आकर वो पागल हो जाती हैं, बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हैं और बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आकर वो हिंसक हो जाती हैं, हिंसा पर उतर आती हैं, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल। मुझे अनु को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। राम राम विभूति भैया। अरे राम राम टीका। अरे आजा 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 आजा, बैठ 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 बैठ, पहले तमीज से बैठ ले भैया। एक बात पूछू आपसे। तो पूछ बेटा। भाभी जी की तबीयत पानी तो ठीक है ना आजकल? अनु को क्या हुआ बे? मुझे लगता है भैया कि भाभी जी का जो दिमागी संतुलन है ना, ठीक नहीं है। तो ये क्या बकरा है तू? भैया बक नहीं रहे हम, रात को मैं ना गली के बाहर से गुजर रहे थे, भाभी जी को देखा हमने, उनके हालचाल पूछे तो उन्होंने हमारे मुंह पर ना केक मल दिया, केक। तेरा दिमाग खराब हो गया है? अनु पागल है क्या, कैसी हरकतें करेगी? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये मासूम तुम्हें इल्जाम लगा रहा, झूठे 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 इल्जाम। कैसे झूठे इल्जाम? ये कह रहा तुमने इसके मुंह पे केक मल दिया। What? Yeah. केक? Yes. ठीक है, मैंने तुम्हारे चेहरे पर केक मला? मैंने यही तो कह रहा यार वो। हाँ भाभी जी, आपने कल रात को है ना हमारे मुंह पे केक मला है, तो ये एक रपड़ मारो, खींचे मुंह तोड़ूंगा तेरा मैं, बड़ा आया। एक मिनट, नो वायलेंस। ठीक है, तुमने मुझे देखा था केक मलते हुए? हाँ देखा था। ठीक है, मैं एक समझदार लेडी हूँ, 7 साल हो गए मेरी शादी को, विभू से पूछ लो। विभू, कभी मैंने तुम्हारे ऊपर केक मला? तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, और मैं तुम्हें अपना भाई मांगती हूँ। हाँ, और तुमने ना ऐसा कहकर मुझे बहुत हर्ट कर दिया, मैं बहुत हर्ट हो गई आज। भाभी जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो, रात को इतना अंधेरा था ना, दिखाई नहीं दिया होगा। हम भी तो इंसान हैं, गलती हो सकती है हमसे भी। मैं माफ कर दो भाभी जी। ठीक है। विभू, तुम ना आज रात के लिए एक पाइनएप्पल केक ले आना, विद एक्स्ट्रा क्रीम। ये क्या? 1, 3, 4, 5, 6। अरे ये बच्ची तो सोने नहीं देगी। तो सेठ जी, तुम अपने कान में रुई ठूस लो। अबे तू ज्यादा नाटक मत कर, चल दे क्या। सेठ जी, तुम्हारे गुर्दों में ना खुजली होवे। अबे चल पीछे पीछे आ मेरे, चल। पिल्लू ना हो गया, कोलू का बैल हो गया, दिन रात बस इस्तेमाल कर लो। 7, 8 पलटो वापस। अबे कौन है जो गली में इतना शोर कर रहा है? क्या हुआ सेठ जी? जे क्या हो रहा है सेठ जी? जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहा हो? हाँ यार, देख तो मैं भी वही रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। जे तो एकदम 7-8 साल की बच्ची बनी हुई है। हाँ सेठ जी। भाभी जी, अबे तू आ गया? अरे अरे तू आ गया, जा 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 जा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं अकेले अकेले खेल रही थी। अरे तू आ गया, 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 तू आ गया,
जी, हम तिवारी हैं, तिवारी। मैंने कब कहा कि तू भिखारी है? हम सब खेलेंगे, आ जा। प्लीज चल ना, चल 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 चल। सेठ जी खेल लो ना, बच्चे इतने प्यार से बोल रही है, दिल मत तोड़ो बच्चे का। हाँ बच्ची। फिर से खेलेंगे हाँ? तो मेरे साथ टापू खेलेगा, अच्छा खेलेगा ना तू? हाँ भाभी अच्छा खेलेगा। हाँ। चल 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 दा, दा, फेंक उसको, फेंक। जा लंगड़ी टांग से जा और उसको लेके ला, उसको लेके आऊं। जा जा। नहीं 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 नहीं, रुक रुक रुक, वापस आ वापस आ। ऐसे क्यों किया तूने? उसको उसके ऊपर नहीं जाना था ना, तो उस पे तूने फेंका, उसको लेकर आ, उधर नहीं जाना। लंगड़ी टांग से दूसरी जगह जाना। जा जा जा, फिर से करना, अच्छे से करना, अच्छे से करना, अच्छे से करना, अच्छे से करना। इधर इधर टांग नहीं, टांग नीचे नहीं रखना, टांग नीचे नहीं रखना। फिर क्या करना भाभी जी? अरे आए, 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 मर गया। समझ में नहीं आता कैसे खेलते, तुझे समझ में नहीं आता कैसे खेलते? बोला था ना मैंने, बोला था मैंने, बोला था ना। अगली बार सीख के आना, समझा? चल जा, तेरे साथ नहीं खेलती। अबे हाथ उठा बे, उठा। तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा। चुप है। समझ में नहीं आ रहे सेठ जी, ये सब था क्या? अबे हमें भी समझ में नहीं आ रहा यार, हमें तो लग रहा है ये कोई सपना तो नहीं था। चूटी का काट रहा है? मैं तो चेक कर रहा था सेठ जी, ये सपना या हकीकत? लेकिन सेठ जी ये सब हकीकत ही है। वे हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, भाभी ये सब बर्ताव काय कर रही हैं? कहीं हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? ये वक्त मजाक का थोड़ी ना है सेठ जी। अबे तो मजाक का कौन सा वक्त होता है? मजाक वजाक ना था ये, मुझे तो लग रहा है भाभी जी का ना स्क्रू ढीला हो गया। भाभी जी के बारे में ऐसे अपशब्द कहेगा साले, जुबान खींच लूंगा तेरी। भाभी जी पढ़ी लिखी और सभ्य महिला है, समझा? लेकिन जो कुछ मैंने देखा ना सेठ जी, इससे तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा था। मैं पूछ रहा था कि जो तिवारी जी बोल रहे थे क्या वो सच है? देखो तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? हाँ तुम उनकी बातों पर आकर मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, नहीं मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ। और तुम तो जब तुम तो वो अपना स्टापो खेल रही थी, स्टापो खेलना कोई बुरी बात नहीं, और फिर मैं भी खेलता हूँ, और तो और मेरी मम्मी तभी भी खेलती है स्टापो। तुम्हारी मम्मी खेलती है स्टापो, उनका स्क्रू ढीला है, मेरा स्क्रू ढीला नहीं है, मैं नहीं खेलती हूँ। तो मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा तो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तिवारी जी बोल रहे हैं यार। तुम्हें तिवारी जी की बात पर यकीन है? हाँ मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं, तुम्हारी बात पे यकीन था। Excuse me? यकीन था मतलब? देखो एक्चुअली क्या है कि जब तिवारी जी ने आके मुझे बताया कि तुम बीच सड़क पे रात को स्टापू खेल रही थी, तो मैंने कहा क्या बुराई, बहुत स्ट्रॉन्ग है नेट यार। मैंने कहा मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा बेकार की बात करेंगे आप ऐसे तो। लेकिन जब तुम हम दोनों के बीच में से कुत्ती फांती उछलती हुई गुजरी, तो मेरे कॉन्फिडेंस की, मेरे यकीन के पटाखे उड़ के धज्जियां उड़ गई मेरी। तो ये बात थी। हाँ यही बात थी, लेकिन इन हरकतों का मतलब क्या मैं समझ नहीं पाया। मतलब क्या विभू? तुमने ये देखा कि मैं कुत्ते हुए बेडरूम में आई, लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसे क्यों आई। हाँ तुम ऐसे क्यों आई? तो सुनिए, वहां पर आइसक्रीम गिरी हुई थी जमीन पर, अगर मैं कूदते हुए नहीं आती तो मेरे पैर गंदे हो जाते। हाँ तो क्या करती बताओ? माय ब्रांडेड शूज खराब हो जाते, मेरे कपड़े खराब हो जाते, मेरे पूरे पैर में चिपचिप हो जाती। To understand? ओ, तो ये बात थी। और मुझे लगा कि हाँ, तुम्हें लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, I've gone mad? ये लगा ना तुम्हें? ऐसी वाहियात बातें सोचते हो मेरे बारे में? नहीं, ऐसी बातें नहीं सोचता हूँ। ऐसी बातें सोचते हो? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।